छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट्स निकल कर आया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रपक्ष नवा रायपुर के अंतर्गत जो ITI जो प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा हुआ, ठीक इसी तरह से ITI में जो है आपके छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका के जो है 54 पदों पर जो भर्ती के लिए, जिसमें 45 पोस्ट आपके छात्रावास अधीक्षक के होंगे और 9 पोस्ट आपके जो है छात्रावास अधीक्षिका के जो है होने वाले हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक डेट था वो आपका जो है 18 मई को जो है आवेदन करना शुरू था, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट की बात करें तो 11 जून तक आपका लास्ट डेट था। त्रुटि सुधार की बात करें तो 12 से जो है 16 जून तक आपको त्रुटि सुधार करने के लिए समय जो है दिया गया था। परीक्षा की तिथि की बात अगर किया जाए तो 23 जुलाई को आप लोगों का जो है एग्ज़ाम्स है। पहले जो है इसके लिए जो है डेट जो है निकल कर नहीं आया, अब जो है डेट निकल कर आ चुका है और 23 जुलाई को आपका जो है एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यही मैं बोलना चाहता हूँ, आपको अच्छे से तैयारी करना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है और जितना ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए सही होगा। और छत्तीसगढ़ में जो है पूरे 30 जिलों को जो है परीक्षा केंद्र के लिए जो है परीक्षा केंद्र जो है बनाया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अप्रत्याशित यानी अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और इतने ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं, इसी वजह से जो है परीक्षा केंद्र में वृद्धि हुई और परीक्षा केंद्र जो है बढ़ाए गए हैं। तो आई होप वीडियो से आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोस को शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।